हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं SKMCH कैंपस के अंदर और आज हम लोग देखेंगे कि SKMCH के अंदर क्या क्या बुराइयां हैं। तो सबसे फर्स्ट में ये बिल्डिंग आप लोग देख लीजिए, ये बिल्डिंग BSc नर्सिंग के लिए बना है जो कि सेकेंड नंबर में इसका आया था टेंडर। इसके फर्स्ट में एक और बिल्डिंग आया था बट ये दोनों अभी तक बिल्डिंग बना नहीं है। बाकी सारे बिल्डिंग्स बन चुके हैं, उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है, उसमें मरीजों का इलाज भी होता है बट ये अभी बन ही रहा है। तो चलिए गाइस, एक एक करके सभी बिल्डिंग्स को देखते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कब कौन सी बिल्डिंग्स का टेंडर आया और कौन सा बन गया और कौन सा अभी बन ही रहा है। सो गाइस, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं पीछे में, ये सबसे फर्स्ट में इसका टेंडर आया था बट ये अभी तक बन ही रहा है। इसके बाद बहुत सारे टेंडर आए, वो हॉस्पिटल बन चुका है, उसमें काम भी स्टार्ट हो चुका है बट ये अभी बन ही रहा है। लगभग इस बिल्डिंग का टेंडर आए 5 साल से ऊपर तो हो ही गया होगा। आप लोग देख सकते हैं ये अभी पूरा फिनिश भी नहीं हुआ, अभी तक बन ही रहा है और पता नहीं कब तक बनेगा। अब चलते हैं गाइस और दिखाते हैं नेक्स्ट बिल्डिंग और बताते हैं कि उसमें काम स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए और देखते हैं कि वो बिल्डिंग कब उसका टेंडर आया और उसमें काम चल रहा है नहीं चल रहा है। ये है गाइस MCH, इसका फुल फॉर्म है मदर चाइल्ड हॉस्पिटल। ये बिल्डिंग भी उन सब बिल्डिंग के बाद इसका टेंडर आया था और ये अभी अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से चल रहा है बट वो बिल्डिंग अभी बन ही रहा है। ये रहा गाइस हमारा PICU और ये बिल्डिंग हमारा बन ही रहा है, बिल्डिंग के बाद इसका टेंडर आया था और ये आज बन गया है और अच्छी तरीके से चल भी रहा है। ये हॉस्पिटल छोटे बच्चे लोगों के लिए बनाया गया है। ये हॉस्पिटल बनने के बाद लोगों को बहुत सुविधा हुआ, जब बच्चे लोग बीमार पड़ते हैं तो इसमें इसका प्रॉपर ढंग से इलाज हो पाता है। सब हॉस्पिटल बन के रेडी है, बस वो वाला बिल्डिंग अभी बन ही रहा है। और ये रहा गाइस हमारा न्यू गर्ल्स हॉस्टल, ये भी बिल्डिंग का टेंडर जो बन रहा है वो बिल्डिंग के बाद ही आया था बट ये बिल्डिंग बन के तैयार है, काम भी हो रहा है बट वो अभी बन ही रहा है। एक और है कैंसर हॉस्पिटल जिसको मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता हूँ, वहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं है। तो वो भी लगभग 2021 के लास्ट तक उसका टेंडर आया था और वो बन के रेडी है, चल भी रहा है अच्छे ढंग से बट ये बिल्डिंग अभी बन ही रहा है। आई होप ये बिल्डिंग बनता रहे। गाइस, इस बिल्डिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स आए जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं दिखाया वीडियो में। इस बिल्डिंग के बाद जितने भी टेंडर आए वो सब बिल्डिंग अच्छे ढंग से, सभी हॉस्पिटल अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से चल रहे हैं, आप लोग सामने देख सकते हैं। सिर्फ ये वाला बिल्डिंग और एक और जो उधर बिल्डिंग दिखाया था, ये वाला बिल्डिंग, ये और वो दोनों बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सब बिल्डिंग्स वगैरह बन चुके हैं, उसमें काम वाम चल रहे हैं अच्छे ढंग से बट ये दोनों बिल्डिंग्स अभी बन ही रहे हैं। आई होप ये बिल्डिंग ऐसे ही बनता रहे, ऐसे ही काम होता रहे, ऐसे ही बनता रहे, ऐसे ही काम होता रहे। सो गाइस, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने आप लोगों को दिखाया किया आप लोगों के लिए उतना। इसके भी अलावा बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें हैं जैसे गंदगी वगैरह है यहाँ पे बट हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैंने अभी तक देखा नहीं है, मैंने अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं है। जहाँ तक सुना है स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा ये कॉलेज है, आप लोग आराम से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। तो गाइस, मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल और ठंडा से बच के रहिएगा आप लोग। मैं तो चला रजाई में घुस के सोने, बहुत ज़्यादा आज ठंड है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, इसके लिए कमेंट एक लाइक ज़रूर कर देना।